नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं कंसल्टेंट साइकेटिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो भाइयों भाई बहनों, आज हम डिस्कस करेंगे पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर हम देखें तो समाज में कम से कम 20 से 25% लोगों को लाइफ में एक ना एक बार पैनिक अटैक जरूर आता है, और अगर हम पैनिक डिसऑर्डर की बात करें तो कम से कम 3 से 4% लोगों को लाइफ टाइम में पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी होती है। तो भाइयों, आज हम इसकी थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर प्रेजेंट कैसे करता है, कि लोगों को महसूस कैसे होता है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं और कैसे वो ट्रीटमेंट में आते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें महसूस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, जब मरीज को पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ये कह के नहीं जाता कि मुझे पैनिक अटैक आया है, वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स लेके जाता है। तो वो लेके जाता है, डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मेरा सीना भारी हो रहा है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। वो प्रॉब्लम लेके जाता है, मेरे पेट में सिंकिंग फीलिंग हो रही है, कुछ अजीब सा पेट में लग रहा है, एसिडिटी हो रही है, ये लेके जाता है। या फिर वो जाता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथों में कंपन हो रहे हैं, पूरे ठंडक जैसे शरीर हो रहा है, और उसको एकदम डर लगता है कि उसको हार्ट अटैक ना आ गया हो, उसकी सांस ना रुक जाए, चोकिंग फीलिंग उसको होती है। तो वो डॉक्टर के पास ये सारे सिम्टम्स लेके इमरजेंसी में जाता है मरीज, क्योंकि उसको नहीं मालूम होता कि ये पैनिक अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर है, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन फील होने में ये बहुत खतरनाक है। इवन काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक भी जिन्होंने महसूस किया है और जिन्होंने पैनिक अटैक भी रियल लाइफ में आया है, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी मुझे पैनिक अटैक में हुई दिक्कत। मेरे पास कुछ मरीज आए जो कि कैंसर सर्वाइवल हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब हमने कैंसर का ऑपरेशन कराया, रेडियोथेरेपी कराई, कैंसर की सर्जरी भी करा ली, मैं इतना परेशान नहीं हुई जितना ये पैनिक अटैक की बीमारी के बाद मुझे जितनी घबराहट होती है, जिससे मैं इतना परेशान हूँ। पैनिक अटैक बहुत खतरनाक है, कैंसर भी इतना खतरनाक नहीं है। तो ये ऐसे प्रेजेंट करता है, ये मरीज को इमरजेंसी में, इमरजेंसी रूम में लेके जाता है। फिर क्या होता है, अगर डॉक्टर देखेगा कि भाई आपको कार्डियक सिम्टम है तो वो ECG करेंगे, BP लेंगे, आपका पल्स लेंगे और वो सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल आता है। लेकिन जब पैनिक अटैक होता है तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है सारी चीज़ें करना। तो क्योंकि बहुत सारे सिम्टम दिल की बीमारी से रिलेटेड हैं इसमें, जैसे छाती का भारीपन, धड़कने तेज़ हो जाना, धड़कने बढ़ जाना, धड़कने महसूस होना, पालपिटेशन होना, तो कार्डियोलॉजिस्ट अपना पूरा इवेल्यूएशन करते हैं, उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, ECG, ECO, स्ट्रेस, ECO, सारे टेस्ट पेशेंट करा के आते हैं। और काफ़ी बार जब BP थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो BP की मेडिसिंस भी मरीज की चालू हो जाती हैं, और कुछ कुछ मरीजों में हमने ये भी देखा है कि वो एंजियोग्राफी करा के भी आते हैं। काफ़ी लोगों को पेट के सिम्टम ज़्यादा होते हैं तो वो गैस्ट्रो के पास भी चले जाते हैं, जैसे पेट में बटरफ्लाई फीलिंग होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट के मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो वो लोग गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराते हैं अपना, कुछ एसिडिटी वगैरह की गोलियां खाते रहते हैं। या फिर काफ़ी लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं क्योंकि पैनिक अटैक में चक्कर भी आते हैं, हाथ पैरों में कंपन हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो उनको लगता है कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी आ गई है, तो वहाँ पर भी सारे टेस्ट वो करा लेते हैं, जैसे MRI हो गई, CT स्कैन हो गया, काफ़ी पेशेंट करा लेते हैं, गैस्ट्रो वाले पेशेंट एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी भी करा के आ जाते हैं एसिडिटी के लिए, और बहुत से लोग जनरल फिजिशियन के पास अपना इलाज कराते रहते हैं कि उनको कोई ना कोई बीमारी है, जिससे कि फिजिशियन उनको चेक करता रहे और वो थोड़ा सिक्योर फीलिंग करते हैं। तो इस तरह से पैनिक अटैक प्रेजेंट करता है, ये आपको इमरजेंसी रूम में और मल्टीपल डॉक्टर्स के पास लेके जाता है, और फिर वहाँ सारे इवेल्यूशन होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं तुमको कुछ नहीं हुआ। अब पेशेंट कह रहा है कि भाई मेरी तो जान निकली जा रही है और डॉक्टर कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ही गलत सिचुएशन पेशेंट के लिए खड़ी हो जाती है, वो सोचता है मैं करूं क्या, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो भाइयों, ऐसा नहीं है पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है, उनको हुआ है, लेकिन ये बीमारी है पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर।
तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वो हमारे पास या साइकेट्रिस्ट के पास आते आते करीब उनको 1 महीने से लेकर 6 महीने 1 साल तक लग जाता है, और उस दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग रहती है, क्योंकि दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टरों को इतना पता नहीं रहता, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मरीज इतना परेशान है लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। क्योंकि आमतौर पे जो दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं उनकी साइकेट्री में ट्रेनिंग केवल MBBS के दौरान होती है, और कुल मिला के 1 महीने के आसपास उनकी ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें उनको साइकेट्री की इतनी नॉलेज हो नहीं पाती, तो वो इलाज इतना गाइड कर नहीं पाते। फिर वो पेशेंट को बोलते हैं कि भाई ये केवल तुम्हारे दिमाग में बीमारी है, या आप पॉजिटिव सोचो उससे ठीक हो जाएगी, और काफ़ी बार डॉक्टर रेफर भी कर देते हैं उनको, लेकिन उनको लगता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास इलाज कराने जाऊँ। तो पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर पागलपन की बीमारी नहीं है, इसमें आपको गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी आएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर आप जल्दी ठीक हो गए तो आपको फ़ायदा क्या है? आप जॉब पर रेगुलर रह पाएंगे। जब पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर होता है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, इतना डर लगता है उनको। फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल की विजिट में उनके चक्कर इतने लग जाते हैं कि वो हॉस्पिटल भागते रहते हैं पेशेंट। तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, आप जल्दी से ट्रीटमेंट आएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी काम पर जाएंगे। दूसरा, जहाँ पर आपको पैनिक अटैक आता है उस जगह से आपको फोबिया हो जाता है। जैसे आपको लिफ्ट में पैनिक अटैक आया, आपको लिफ्ट से डर लगने लगेगा। आपको कार में पैनिक अटैक आया, आपको कार में बैठने से डर लगने लगेगा। आपको बस में, ट्रेन में पैनिक अटैक आया, आपको बस में, ट्रेन में जाने से डर लगने लगेगा। तो आपके फोबियाज में प्रिवेंशन होगा, आप फोबिया से बचे रहेंगे, फोबिया डेवलप नहीं होंगे शरीर में, जल्दी इलाज करा लेंगे। जल्दी इलाज कब कराएंगे? जब आप पहचानेंगे पैनिक अटैक होता क्या है। तो आज मैं यही समझाने वाला हूँ आपको, पैनिक अटैक होता क्या है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स मैंने आपको इनिशियली इस वीडियो में बताए, मैं उनको दोबारा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो पैनिक अटैक कुछ ही सेकंडों में एकदम पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कोई स्ट्रेस वाली बात हो या ना हो, एकदम से उनको घबराहट होने लगेगी, और विद इन कुछ सेकेंड से लेके 5-10 मिनट में ही घबराहट बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ जाती है। पेशेंट की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, धक 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 बहुत तेज, सीने में जकड़न हो जाती है उनके। उनको लगता है बस आज तो बस हार्ट अटैक आने वाला है। उनकी सांसों में चोकिंग फीलिंग होती है, सांसें रुकने लगती हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि सांस रुकती नहीं है लेकिन तकलीफ होती है। उनको चक्कर आते हैं, डिजीनेस फीलिंग होती है, हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं उनके, शरीर से स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको, और पेशेंट को लगता है कि बस आज तो मैं मर जाऊंगा, या मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, या मुझे स्ट्रोक हो जाएगा, या मेरी सांस रुक जाएगी। लेकिन ये केवल डर है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये फीलिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है पेशेंट के लिए। पेशेंट परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, और ये जो पैनिक अटैक है आपको 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी चल सकता है, और ये विद ट्रीटमेंट या काफ़ी पैनिक अटैक अपने आप भी सबसाइड हो जाते हैं 1-2 घंटे के बाद, पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार अटैक आया तो पेशेंट को डर बना रहता है कि ये दूसरी बार ना आ जाए अटैक, दूसरी बार आ गया तो मैं क्या करूँगा। और साथ में उसको अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी डर रहता है, जैसे मैंने बताया कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है। तो इस तरह से अगर पेशेंट को एक अटैक आया और वो बिल्कुल ठीक है, उसको डर नहीं लग रहा दूसरा अटैक आने का, वो अपना सारा फंक्शन नॉर्मली कम कर पा रहा है, तो उसको केवल एक सिंगल पैनिक अटैक बोलेंगे, तो यूजुअली उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन काफ़ी बार एक अटैक आने के बाद मल्टीपल अटैक्स भी आने लग जाते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे पेशेंट को अटैक आते हैं, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा भय हो जाता है अटैक का, और उसको घबराहट चालू हो जाती है, उसके फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं, और ऐसा 1 महीने से ज़्यादा चलता है, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने सिम्टम्स बताए जिससे कि आप अपने पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर को जल्दी से पहचान सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अगर आप सही डायरेक्शन में इलाज लें तो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, आपकी फंक्शनिंग बहुत जल्दी नॉर्मल हो सकती है। तो भाइयों, इस वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में, कि कैसे इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, क्या नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, क्या साइकोथेरेपेटिक मेजर्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और जिससे इसमें फ़ायदा होगा।
तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का, जिससे आप उसको देख सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और अगर आपको लगता है किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो इस चीज का फायदा उठा सके, इस नॉलेज का फायदा उठा सके। और कमेंट में जरूर लिखिए कि अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी है, या आप किसी को जानते हैं उसने ऐसा फेस किया है, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। और हाँ, ध्यान रहे, एंड में इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।